निर्माण हो पाएगा। बसंती यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुणाल चौधरी को नोटिस देकर 15 दिन में माफ़ी मांगने और माफ़ी नहीं मांगने पर मानहानि की कार्रवाई करने की बात कही। जन जागरण यात्रा के दौरान युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, सेंधवा की जनता के साथ धोखा करते हुए गुंडे को सेंधवा नगर पालिका अध्यक्ष बनवा दिया। इसी बयान पर नगर पालिका अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने मुझे गुंडा बताया, मुझे इस बात की बहुत ठेस लगी, उन पर मानहानि की कार्रवाई करूंगी। और विधायक प्रतिनिधि विकास आर्य ने भी कड़ी निंदा करते हुए कहा, जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लाडली लक्ष्मी बोल रही है, नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही है, वहीं युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक सज्जन महिला जिस पर कोई आरोप नहीं है ऐसी महिला को गुंडा बता रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह बताए इन पर कौन सा केस दर्ज है और इन्होंने किसको प्रताड़ित किया है। 15 दिन के अंदर यह बताए, नहीं तो माफ़ी मांगे वरना मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। और इस सेंधवा के अंदर तो जिस प्रकार का धोखा इस सेंधवा के नागरिकों के साथ किया गया, एक गुंडे को बिठा के नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया गया, और जो मताधिकार इस हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है उसके मत के अधिकार को छीनने का काम किया गया इस लोकतंत्र को। इसके हमारे पास साक्ष्य है, इनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है, और अब हम ये चाहते हैं कि कुणाल ये सिद्ध करें कि बसंती देवी गुंडा है, उन्होंने किस मतदाता को रोका है, ये सिद्ध करके 15 दिन के अंदर सिद्ध करके बताएं कि माननीय बसंती देवी यादव ने किस व्यक्ति को मतदान करने से रोका है या किसका हमने उल्लंघन किया है। अगर वे 15 दिन के अंदर ये साक्ष्य और सबूत हमें नहीं देते हैं तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत मानहानि के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे और हम उन पर मानहानि का दावा लगाएं। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बसंती बाई यादव पर, जो कांग्रेस के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया है कि वे गुंडा है और एक गुंडा तत्व को नगर पालिका में अध्यक्ष बना दिए। मैं ऐसी जो कांग्रेस के नेता है, जो एक महिला शक्ति को, जहाँ भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक और लाडली लक्ष्मी कहकर बोल रही है, नारी शक्ति को बढ़ावा देने का काम कर रही है, वहाँ पर कांग्रेस के युवक कांग्रेस के ऐसे निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष, जो एक सज्जन महिला जिनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है, ऐसी महिला को गुंडा बता रहे हैं, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि उनके ऊपर कौन सा केस दर्ज है, किस व्यक्ति को उन्हें प्रताड़ित करा है, वे बताएं। 15 दिन के अंदर आकर मीडिया के सामने सारी जनता से माफी मांगे, अध्यक्ष महोदय से माफी मांगे, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे और मानहानि का दावा करेंगे।